वेलकम टू दी चैनल एवरीवन। और आज मैं आ गई हूँ एक और हेल्दी रेसिपी के साथ, जो कि है स्प्राउट्स कटलेट की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये पूरा स्प्राउट से बना हुआ है। इसमें कुछ और भी चीज़ें पड़ी है, वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आ जाए तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं आज की ये हेल्दी एंड टेस्टी सा स्प्राउट्स कटलेट की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये 1 कप स्प्राउट्स। मैंने हरे मूंग को रात भर भिगो के छोड़ दिया था, फिर उसे अच्छे से छान कर और रख दिया था ड्राई होने के लिए। उसके बाद से उसका स्प्राउट्स बन गया है। उस स्प्राउट्स को मैं ले लूँगी चॉपर में और उसे चॉप कर दूंगी फाइनली। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में इसे ऐसे ही क्रस्ट कर सकते हैं बिना पानी के। तो ये इस तरीके का हो गया है। अब मैं एक बोल ले ली हूँ, उसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ क्रिस्प स्प्राउट्स, फिर मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड कैरेट, चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली। उसके बाद से मैंने एक आलू को बॉईल कर दिया है और उसे भी मैं इसी तरीके से ग्रेट करूँगी। आप चाहे तो स्मैश भी कर सकते हैं, बट ग्रेट कर देने से इसका टेक्स्चर अच्छा आएगा कटलेट का। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये क्रम्बल्ड, हाथ से क्रम्बल्ड किया हुआ ये पनीर है, नमक स्वाद के अनुसार। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर, काली मिर्च, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला। उसके बाद मैं डाल रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा एंड 2 टेबलस्पून बेसन। इससे इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी और क्रिस्पनेस भी रहेगा। फिर सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ से। मिक्स करने के बाद में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना अच्छा से बाइंडिंग हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा चावल का आटा या बेसन और भी डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक डो जैसे तैयार हो गया है। अब हम लोग इसकी बनाएंगे टिक्की। तो टिक्की बस ऐसे ही सिंपल थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और हाथ में जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं वैसे इससे पहले राउंड शेप दे के फ्लैट कर देना है। थोड़ी थोड़ी सी ले लें, जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है उसके अकॉर्डिंग, और इसे गोल कर दें, फिर हाथ से फ्लैट कर दें और थोड़ा सा चिपटा कर दें चारों तरफ से घुमाकर। तो ये लीजिए मेरी एक टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की भी बना लूंगी। ये मेरी सारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। आप चाहते हैं तो इसे ऐसे लंबे लंबे शेप में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेलो फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल और इसे ब्रश से चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और फिर मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकना है, मीडियम टू लो पे। सारी टिक्की को मैं धीरे धीरे डाल दूंगी पैन में। इसे हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है वरना बहुत जल्दी ये रेड हो जाएगा ऊपर से और अंदर उतना क्रिस्पनेस नहीं आएगा। तो बस इसी तरीके से इसे दोनों तरफ से सेक लेना है, इस पे अच्छा सा एक लेयर आ जाए ब्राउन कलर का, तब तक इसे सेकना है दोनों तरफ से फ्लिप कर करके। तो देखिए एक तरफ से ये सेक चुका है तो मैं इसे पलट दे रही हूँ। अब मैं इसे दूसरी तरफ से पलट कर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे सेका था और चारों तरफ से अच्छे से ये सिक गई है और थोड़ी सी कुरकुरी भी हो गई है। तो ये देखिए सारे बनकर तैयार हैं।
तो चलिए अब हम लोग इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं ग्रीन चटनी के साथ या केचप के साथ, जिसके साथ भी आपका मन करे आप इसे खाएं, स्नैक्स में खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं, कभी भी इसे इंजॉय कर सकते हैं आप। बहुत ही हेल्दी है और देखा आपने अगर आपके पास स्प्राउट्स पहले से है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और इसे जरूर ट्राई करिएगा एक बार। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो सिर्फ इस टिक्की के साथ ग्रीन चटनी लें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जो ऐसे ही खाना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ से इंजॉय कर सकते हैं, केचप से खाएं, चटनी से खाएं, और प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा। बहुत जल्द मैं मिलूंगी अपने एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।